किचन। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि इस एपिसोड में हम आपको चिकन थाई फ्राइड राइस बनाना सिखाएंगे, तो आइए देखते हैं कि ये डिश कैसे बनती है। थाई चिकन फ्राइड राइस हमें बनाने के लिए चाहिए 250 ग्राम बॉयल चिकन जो श्रेड करके रखा है, आधा रेड और येलो बेल पेपर, कुछ बेजिल लीव्स, 3 बड़े चम्मच ऑयस्टर सॉस, 4 बड़ा चम्मच फिश सॉस, 1 बड़ा चम्मच शक्कर, कुछ लहसुन की कलियां, 6 से 7 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 4 कप बॉयल राइस जिसे 80% तक हमने पकाया है। अब लहसुन को और हरी मिर्ची को हम इस तरह से कूट लेंगे। इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत महीन होकर जब पेस्ट बन जाता है तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो हल्का मोटा मोटा हम इसे कूट लेते हैं। लहसुन और मिर्ची इस तरीके से जब कूट जाए तो उसे फिर बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करके हम डाल देंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे उसको। चम्मच से इसे थोड़ा चला लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तेल में। इसके बाद हम इसमें श्रेडेड चिकन डाल देंगे और इस चिकन को 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसमें ऑयस्टर सॉस डाल देंगे। और साथ ही साथ फिश सॉस भी। अब इसमें नमक और चीनी दोनों मिला लेंगे और इसे अब 5 मिनट तक हम मिक्स करेंगे। अब चिकन इस तरीके से मिक्स हो जाए तो उसमें हम बॉयल्ड राइस डाल देंगे और फिर हाई फ्लेम में चिकन और राइस को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। पूरी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए ताकि सॉस और जो मिर्च और लहसुन है सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसमें फिर हम सब्जियां डाल देंगे जैसे बेल पेपर और बेजिल, इसे भी हम मिक्स करेंगे उसमें और फिर गैस बंद कर देंगे ताकि बेल पेपर की क्रंच ना निकल जाए और ये ज़्यादा ना गल जाए। अब हमारा थाई फ्राइड राइस रेडी है। थाई फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है एक बार फिर नजर डालते हैं। तो अब आपने दोनों चीज बनाना सीख लिया है, चिकन थाई फ्राइड राइस भी और चिकन थाई करी भी। अब इन दोनों को बनाकर आप अपने पार्टीज में सर्व करिए और बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। Thank you for watching this episode.